ठीक है, तो इधर इस पॉइंट में आप अनरिलायबल रिकॉर्ड रख लेते हो, सही रिकॉर्ड नहीं रखते, या तो आप बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं रखते। इधर अगर आप रिकॉर्ड रख भी लेते हो, ठीक है, तो वो या तो इनएडिक्वेट होता है या उसको आप सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो ये दो तीन पॉइंट्स इस तरह के हैं जी। इस तीन पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? क्लियर दे हजार चुक। अच्छा देखिए, जब हमने कहा कि नेशनल इनकम में हम मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं मॉनेटरी फॉर्म में, तो ऐसे हमारे पास सर्विसेज आ जाती हैं जिसको तो हम मॉनेटरी फॉर्म में तो मेजर नहीं कर सकते ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल, अगर घर में कोई कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, वो कोई खदमात देती देती थी, जिस तरह हमारे माँ बहन इस तरह, ठीक है ना, वो घर में खदमात देती है, तो उसको तो हम मॉनेटरी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते ना, तो उसकी सर्विसेज फिर कहाँ चली गई? ठीक है जी, तो ऐसे सर्विसेज जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हो, ठीक है ना, उसको तो हम मॉनेटरी वैल्यू में तो मेजर नहीं कर सकते हैं ना। ऐसे सर्विसेज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है, जिस तरह उस घर में हाउस वाइफ वगैरह, ठीक है, ये देती है, क्लियर जी, या ऐसे लोग जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं, तो उसको तो हम मॉनेटरी वैल्यू में पैसों की फॉर्म में तो नहीं तोलते हैं ना, तो ऐसे सर्विसेज भी डिफिकल्टी क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि एक साल के अंदर जितने भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हो, उन सबको की मॉनेटरी फॉर्म को ऐड कर लेंगे, मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करेंगे, जो भी फिगर हमारे पास आएगा वो हमारे पास नेशनल इनकम कहलाएगा। लेकिन ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं लोग जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जो कि हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं करते, ठीक है जी, तो उसको भी तो मैयर नहीं है कि ना, वो तो नेशनल इनकम की फिक्र में हमने नहीं लिया, तो ये भी एक डिफिकल्टीज है। क्लियर? तो इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारा पास हुआ 14 पॉइंट। छोटे पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? पांचवा पॉइंट, बार्टर ट्रांजेक्शन। अच्छा, मनी की इंट्रोडक्शन से पहले एक सिस्टम था जिसमें गुड्स के बदले गुड्स को दिया जाता था। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को, जस्ट एज्यूम कि उस किसी को आटे की जरूरत है, लेकिन उसके पास आटा नहीं है, तो पैसा तो था ही नहीं, ठीक है। जब पैसे नहीं थे और आपके पास एक ऐसी चीज थी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास घर में मकई पड़ी थी और आपको गंदम की जरूरत हो, ठीक है ना, तो आपको एक ऐसी बंदे को ढूंढना पड़ता कि वो आपसे मकाई ले, ज्वार ले और आपको गंदम दे दे। ऐसे ट्रांजेक्शन को कहते थे बार्टर ट्रांजेक्शन, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी गुड चीजों के बदले आप चीजें ले लेते थे। जिस तरह आजकल भी अगर आप देख लें, आजकल भी अगर आप देख लें तो तकरीबन गांव में यही सिस्टम चलता है, ठीक है ना, कि आप किसी को चीज दे देते हो और वो आपको उसके बदले में कोई दूसरा चीज प्रोवाइड कर लेता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन। बार्टर ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती, जिसमें चीजों के बदले चीजें दी जाती हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कहते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन। और ये मनी की इवोल्यूशन के से पहले, ठीक है, इस तरह का सिस्टम था। तो जब चीजों के बदले चीजें मिलती हो और जहां मनी इन्वॉल्व ना हो, ठीक है ना, तो फिर इधर भी नेशनल इनकम को मेजर करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जो पांचवा हमारा डिफिकल्टी थी वो थी बार्टर ट्रांजेक्शन। तो इन दो पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्योंकि हम तो मॉनेटरी वैल्यू को देखते हैं ना, गुड्स के मतलब गुड और सर्विस को मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करते हैं। जब चीजों के बदले चीजें हो जहां मनी इन्वॉल्व ही ना हो, तो फिर तो उधर नेशनल इनकम मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छठा पॉइंट हमारे पास ब्लैक मनी, ठीक है जी, कि अगर किसी ने ब्लैक मनी के थ्रू इनकम कमाई हो, तो वो तो डिक्लेयर नहीं करेगा ना, वो तो अथॉरिटीज को डिक्लेयर नहीं करेगा, तो वो भी फिर जब अथॉरिटीज को डिक्लेयर नहीं होगा तो वो भी फिर नेशनल इनकम में नहीं आएगा। जब नेशनल इनकम में नहीं आएगा तो हमारी नेशनल इनकम की फिगर फिर गलत आ जाएगी। क्लियर जी, तो ये भी एक और डिफिकल्टीज है, जब आपने इलीगली, जब एक बंदे ने इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू इनकम कमाई हो और वो आगे जाके डिक्लेयर नहीं करेगा,
तो भाई जो अथॉरिटीज होगी स्टेटिस्टिक्स वाले या जो नेशनल इनकम को मैयर करते हैं, तो उसको चुफ तो नहीं होगा ना, इसको कशफ तो नहीं होगा खराब बंदे के पास इतनी इनकम है। जब आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो नेशनल इनकम को किस तरह मैयर करेंगे? जब नेशनल इनकम को मैयर नहीं कर सकते तो नेशनल इनकम की फिगर फिर गलत आएगी। तो ये था हमारे पास छठा पॉइंट। तो इन पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? शाबाश, ठीक है। ऐसे ट्रांजेक्शन भी होती है कि जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसको हम पैसों में नहीं तोलते, जिस तरह घरों में बहुत सी औरतें काम करती हैं, ठीक है, तो उसको तो मॉनेटरी की फॉर्म में हम ये नहीं कर देना, तो वो भी इसमें नहीं आएगा, तो नेशनल इनकम की फिगर गलत आएगी। बार्टर ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जब हम चीजों के बदले लोगों को चीजें दे देते हैं, तो उधर भी तो मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ। जब मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम किस तरह मेयर करेंगे नेशनल इनकम को? और हमारे पास इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू अगर हमने पैसे कमाए हो तो वो हम डिक्लेयर नहीं करते। जब वो हम डिक्लेयर नहीं करते तो फिर नेशनल इनकम मेयर करने का जो डिपार्टमेंट होगा उसके पास फिगर गलत जाएगी, ठीक है जी। तो इन पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? हमारे पास एक सातवां प्रॉब्लम जो है ना वो है डबल काउंटिंग का। डबल काउंटिंग का मसला उस टाइम आ जाता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक है फॉर्म ए, ठीक है ना, ये बेचता है कॉटन, जब ये कॉटन बेचता है किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, ठीक है, तो इसने जब कॉटन बेचा, इसने जब प्रोड्यूस किया और कॉटन बेचा, क्लियर जी, तो उस टाइम भी नेशनल इनकम ने इसकी इनकम ली, क्लियर। फॉर एग्जांपल, इसने 100 रुपए की कॉटन बेची और नेशनल इनकम डिपार्टमेंट वालों ने इसकी इनकम उठाई कि यार 100 रुपए नेशनल इनकम हुआ। लेकिन जब इन्होंने इसको ट्रांसफर किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वो कॉटन, तो इन्होंने 100 रुपए की ये ली, जाके उसमें फॉर एग्जांपल 20 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है, और वो जाके उन्होंने 120 रुपए पे सेल किया, तो नेशनल इनकम वालों ने यहां से 120 रुपए उठाए। हालांकि इसमें इस 120 में तो ऑलरेडी 100 रुपए कॉटन के हैं, वो ऑलरेडी इसको काउंट कर चुके हैं जब कॉटन प्रोड्यूसर के इनकम को वो उठा रहे थे, क्लियर जी। तो देखिए, इधर से भी उन्होंने उठाई फिगर 100 रुपए की, और जब उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इनकम उठाई कि उसने कितनी इनकम कमाई, तो उसने यहां से भी 120 रुपए उठाए, तो डबल काउंटिंग हुआ ना, इधर भी 100 काउंट हुआ, और जब उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी डेटा उठाया तो उधर से भी वो 100 रुपए काउंट हुए, तो डबल काउंटिंग का मसला इसी वजह से भी आ जाता है। हालांकि उसको कितना उठाना चाहिए था? उसको सिर्फ 20 रुपए उठाने चाहिए थे। अगर ये इधर से 100 उठाता डिपार्टमेंट वाले और इधर से 20 उठाते तो फिर इट्स ओके, कोई मसला नहीं था। लेकिन इधर से भी 100 उठाए, फिर इधर से 120 उठाए, और जिसमें ऑलरेडी 100 इंक्लूड है, जो ऑलरेडी वो काउंट कर चुके हैं नेशनल इनकम की फिगर में जब उसने वो कार्टन प्रोड्यूसर का डेटा उठाया, ठीक है जी। तो डबल काउंटिंग का मसला इस वजह से आ जाता है, क्लियर जी। तो डबल काउंटिंग में ये प्रॉब्लम होती है, ये सब में तकरीबन डबल काउंटिंग का मसला आ जाता है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन? जी, डबल काउंटिंग में कोई कंफ्यूजन? नो सर का मतलब शफ़त क्लियर है, ठीक है जी। तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम तकरीबन सब में आ जाता है कि इधर से भी वो डेटा उठा लेते हैं और उधर से भी वो डेटा उठा लेते हैं, तो मतलब उसूलन उस हमारे इकोनॉमी के अंदर टोटल कितनी नेशनल इनकम होनी चाहिए थी? फॉर एग्जांपल 120, इसमें 100 कॉटन के थे और 20 रुपए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100 कॉटन से उठाया और 120 टेक्सटाइल से उठाया, तो 220, तो वो डबल काउंटिंग का इशू आ गया, ठीक है जी। तो इसमें ये है, बाकी को भी क्लियर है? आगे जाए फिर ट्रांसफर पेमेंट्स की तरफ।
अच्छा, ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जिसके अगेंस्ट कोई बंदा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है जी। ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जिसके अगेंस्ट बंदा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, हुकूमत ने किसी को डोनेशन दे दी, ठीक है। तो जब डोनेशन दे दी, अब फॉर एग्जांपल आप एहसास प्रोग्राम देख लें, क्लियर जी। तो एहसास प्रोग्राम के अगेंस्ट लोग तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते ना हुकूमत को, क्लियर भाई। तो ऐसी सर्विसेज जैसी पेमेंट जिसके अगेंस्ट कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, और पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट, क्लियर जी। या फॉर एग्जांपल पेंशन देख ले आप लोग, तो लोगों को तो पेंशन मिल जाती है लेकिन उसके अगेंस्ट तो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। या कोई ऐसी फंड्स जिस या कोई ऐसी पेमेंट्स जिसके अगेंस्ट लोग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, तो ऐसी पेमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। उन्होंने सोशल सोशल बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात दी जो कि बाहर के ममालिक में होते हैं। या फॉर एग्जांपल बाहर के ममालिक में होता क्या है कि जब तक आप अनएम्प्लॉय हो तो आपको पेमेंट मिलती रहती है, हालांकि आप तो अनएम्प्लॉय हो तो कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, तो इसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन भी फिर हुकूमत अकाउंट फार्म नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुए ना, हालांकि पेमेंट्स तो हुई है लेकिन सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुए। और हमने क्या कहा कि एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हो उन सब की फिगर को जमा करेंगे तो जो भी फिगर आएगा वो नेशनल इनकम होगी, लेकिन इसके अगेंस्ट तो कोई सर्विसेज हुई नहीं है, ठीक है, तो ये भी नेशनल इनकम को इफेक्ट कर लेती है। तो ये 7-8 पॉइंट ऐसे थे कि जिसकी वजह से नेशनल इनकम मैयर नहीं हो सकती। जी, यहां तक कोई पॉइंट? जी, बाकी बाकी पूछ लें, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन थोड़ी सी सीखी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या चीज है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, क्लियर जी। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2-3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव्स है वो उसका ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का पता लगे। और इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या चीज? इकोनॉमिक ग्रोथ वो है कि एक साल फॉर एग्जांपल जब किसी भी मुल्क के रिसोर्सेज कंटिन्यूसली बढ़ रहे हो और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही हो, मयार जिंदगी बढ़ रही हो, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूसली, ठीक है जी। ये नहीं कि एक साल तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ गए और अगले साल गिर गए तो कोई फायदा नहीं है, या फिर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की डिफिनेशन में नहीं आता। अब जो हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है लो प्राइस इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को कम रखना, चीजों की कीमतों को कम रखना, ये दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव था। तीसरा हमारे पास था कि लोगों को रोजगार मिले और कम से कम लोग बेरोजगार, मतलब कम से कम लोग बेरोजगार रहे, ठीक है। और फिर हमने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो मैंने आपसे कहा था कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, अगर आपकी इम्पोर्ट ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट से तो तब भी डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा आपकी इम्पोर्ट से तब भी डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमने आप इसको इक्विलिब्रियम पे किस तरह लाना है, ये भी ऑब्जेक्टिव्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लियर जी। फिर हमने कहा कि नेशनल इनकम क्या होती है, तो किसी भी मुल्क के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुई हो उसकी मॉनेटरी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो भी फिगर आएगा वो हमारे पास नेशनल इनकम है। फिर हमने कहा कि नेशनल इनकम को मेजर करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्टीज हैं। डिफिकल्टीज क्या थी कि लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ, आपके पास काबिल लोगों की कमी है जो कि डेटा को कंपाइल करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इससे एनालिसिस यानी रिजल्ट निकालते हैं, तो ये भी एक मसला है नेशनल इनकम को मेजर करना। दूसरा जो हमने पढ़ा कि लोग को पता नहीं है यार क्या नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमने कौन कौन सा डेटा रखना है, अगर वो डेटा रख भी लेते हैं तो वो अनरिलायबल होते हैं, मतलब सही नहीं होता, ठीक है, वो उसकी इतनी दिलचस्पी नहीं होती। फिर हमने कहा कि इनएडुकेट इंफॉर्मेशन कॉज बाय पुअर कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, हुकूमत के पास
डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं ना वो कमजोर टाइप के हैं, ठीक है, या अगर लोग उसको सही डेटा नहीं प्रोवाइड करते, या हुकूमत के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी उसके पास जो प्रोसीजर है कि किस तरह डेटा कलेक्ट करना है आवाम से, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उसमें वो दम नहीं कि वो डेटा कलेक्ट कर ले। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब कि पैसों में तोलते हैं ना, फिगर्स में, आरएस में, आरएस में कि इतने यूनिट्स में नहीं, यूनिट्स में नहीं कि फॉर एग्जांपल हमने फॉर एग्जांपल 100 शुगर के जो है ना बैग्स प्रोड्यूस किए हैं, नहीं ये गलत होगा, बल्कि हमने फॉर एग्जांपल 10 बिलियन की आरएस 10 बिलियन रुपीज की शुगर प्रोड्यूस किए। तो मॉनेटरी वैल्यू भी कि पैसों की फिगर में, पैसों की जुबान में बताओ, जिस तरह आप लोग जो हो ना अकाउंटेंट लोग डेबिट क्रेडिट की दुनिया यानी पैसों की बात समझते हैं ना, तो इसी तरह भी पैसों में बताओ, यूनिट्स में ना बताओ कि कितने टन शुगर आपने प्रोड्यूस किए, ये मुझे ना बताओ रुपीज में कितनी प्रोड्यूस किए रुपीज में, ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये था मॉनेटरी वैल्यू का, ये था कि फिगर्स में हिंसों की जुबान में बताओ मुझे, पैसों की जुबान में बताओ, अगर क्लियर है भाई आप, यूनिट्स में ना बताओ भाई कितने टन की गंदम पैदावार हो चुकी है, तो मुझे फिगर्स की दुनिया में बताओ, हिंसों की फिगर में, पैसों में बताओ, मुझे ये ना पता कि इतने टन नहीं नहीं कितनी रुपीस की पैदावार किया आपने, क्लियर भाई। तो इस तरह फिर मैंने कहा कि कुछ रिसोर्सेज इस तरह भी, सर्विसेज इस तरह भी होती है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिस तरह हाउस वाइफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, तो इस तरह के रिसोर्सेज भी हम इग्नोर करते हैं उसको, तो फिर मॉनेटरी वैल्यू में हम नहीं तोलते ना है कि घर में औरतों ने कितनी सर्विसेज प्रोवाइड किए घरेलू काम के लिए, ठीक है, तो वो भी प्रोड्यूस नहीं करते हम। फिर बार्टर ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो कि चीजों के बदले हम चीजें दे देते हैं, तो इसको कहते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो जब मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम नेशनल इनकम को किस तरह मुहैया करेंगे, और ये अभी भी अगर कुछ कोई बंदा गाँव आ रहा है ना, तकरीबन इस तरह की कई ट्रांजेक्शन होती रहती है। फिर इलीगल इनकम, इलीगल इनकम अगर आपने इलीगल तरीकों से कोई इनकम कमाई हुई है तो उसको तो आप डिक्लेयर नहीं करते ना गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, तो उधर भी फिर नेशनल इनकम सही तरीके से मुहैया नहीं हो सकती, फिर डबल काउंटिंग का इशू और ट्रांसफर पेमेंट का इशू भी आ जाता है। तो आज के लिए यही काफी है, ठीक है जी। तो अब आप अपने सवाल पूछे।